खबर औरैया जिले से है, जहां बाजरा के खेत में नग्न हालत में पड़ा मिला किशोरी का शव। गले में दुपट्टा लिपटा था। रेप के बाद गला घोटकर हत्या की संभावना। दिव्यापुर थाना क्षेत्र के गांव में 17 वर्षीय किशोरी के शव नग्न हालत में गांव से आधा किलोमीटर दूर बाजरा के खेत में पड़ा मिला। गले में दुपट्टा फंसा था, जिससे लग रहा था कि किशोरी का रेप कर गला घोटकर हत्या की गई है। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव व SDM लवलीत कौर व पुलिस अधीक्षक चारू निगम व अपर पुलिस अधीक्षक शिष्यपाल व CO सुरेंद्रनाथ ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। दिव्यापुर में एक गांव निवासी किसान की 17 वर्षीय बेटी अपने माता पिता के साथ रहती है। बड़ी दो बहनों की शादी हो चुकी है और भाई परिवार के साथ सूरत गुजरात में रहता है। किशोरी सोमवार की सुबह करीब 8 बजे गांव के बाहर खेतों में शौच क्रिया के लिए गई थी। उसी दौरान उसका पिता अपने खेतों पर काम करने चला गया। जब वे खेतों से घर लौटा तो बेटी नहीं थी। इस पर तलाश शुरू हुई तो घर से करीब 500 मीटर दूरी पर स्थित एक बाजरे के खेत में काफी अंदर किशोरी के शव खेत और नग्न हालत में पड़ा मिला। गले में दुपट्टा लिपटा था, जिसे साफ लग रहा था दुपट्टे से गला घुट गया है। रोते भी लगते माता पिता पहुंचे और तमाम ग्रामीण पहुंच गए। सूचना पर दिव्या पुलिस पहुंच गई। मृतका के पिता ने रेप के बाद गला घोटकर हत्या की बात कही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच शुरू कर दी है। SP चारू निगम ने मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। SP चारू निगम ने बताया कि पैनल से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिजनों ने किसी और शख्स व्यक्त नहीं किया है। मामले के खुलासे को 10 टीमों का गठन किया गया है। UP उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए आप देख रहे थे औरैया से कपिल पोरवाल की रिपोर्ट। लगभग 10 बजे के करीब आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थाना दिव्यापुर अंतर्गत। एक लड़की का शव मिला है, 17-18 साल के बीच में कुछ उम्र है इसकी, अभी वो सर्टिफाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि 7:30 बजे ये शौच करने गई थी, जब 1 घंटे तक लौट के नहीं आई तो उन्होंने तलाश किया तो एक बाजरे के खेत में इसकी बॉडी मिली है। और तत्काल मौके पर थाने की टीम, फॉरेंसिक टीम, मैं और सभी गेस्टेड ऑफिसर्स गए हैं। मौका मुआयना कर लिया गया है, बॉडी को भी देख लिया गया है। प्राइमा फेसाई कोई जाहिरा चोट उसमें दर्शित नहीं हो रही है। और बाकी जो भी पीड़ित परिवार को शक है कि इसके साथ रेप और मर्डर किया गया है, इसमें सभी आवश्यक साक्ष्य संकलन के लिए और पैनल में पोस्टमार्टम कराने के लिए, वीडियोग्राफ पोस्टमार्टम कराने के लिए बात कर ली है। शीघ्र पोस्टमार्टम करा के तहरीर जिस पर भी यदि शक है, वैसे शक जाहिर नहीं किया जा रहा है किसी पर भी। परिवार का कहना है कि किसी से फ़ोन पर बात नहीं करती थी, घर में एक ही फ़ोन था। तो जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर अभी पंजीकृत किया जाएगा। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मेरे स्तर से 10 टीम बना दी गई है, जिसमें SOG को और सर्विलांस को पता रशी सुराग ऋषि के लिए भी और थाने से भी टीम्स लगाई गई हैं। थैंक यू।